अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो प्यारे दोस्तों, मैंने जो सप्लाइयाँ हैं 12 वोल्ट वाली, इनकी प्रैक्टिकल जो सिलसिला शुरू किया था, आज इसकी प्रैक्टिकल नंबर 3 वीडियो बनाऊँगा। आज सप्लाई में मसला यह है कि इसके जो है ना इनपुट बिल्कुल ठीक है, लेकिन आउटपुट पर वोल्टेज नहीं जा रही। दोस्तों इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसील से बताऊँगा, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल समय लगेगी। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, मेरे पास ये सप्लाई है, ये जो है ना एलसीडी में लगी हुई थी। इस पे जो है ना आप एलसीडी वगैरह भी चला सकते हैं, एसी डीसी पंखा भी ये आसानी से चला सकती है, और भी 12 वोल्ट वाली कई चीज़ें हैं वो आप चला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको वोल्टेज देता हूँ 12 वोल्ट, और आपको चेक करवाता हूँ कि क्या इसके वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसका जो है ना, ये देखो अभी यहाँ पर जो है ना इसके 12 वोल्ट जो है ना वो आने चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रही, अगर पल्स लगा के आ भी जाते हैं तो 1 या 1.5 वोल्ट आता है, फिर रुक जाता है। तो दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले इसकी इनपुट जो होती है ना वो कंफर्म कर लेनी है कि वहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपने सबसे पहले ये कैपेसिटर जो बड़ा लगा हुआ है 450 वाला, वहाँ पर वोल्टेज चेक कर लेनी है। अगर वहाँ पर वोल्टेज आ रही है तो इसका मतलब है कि मसला जो है ना वो आगे है। तो 270 वोल्ट यानी यहाँ पर वोल्टेज आ रही है। उसके बाद दोस्तों इसके आगे जो ट्रांसिस्टर लगा होता है इनपुट वाला, वहाँ पर भी आपने वोल्टेज चेक कर लेनी है, यहाँ पर भी वोल्टेज जो है ना वो आनी चाहिए। अगर यहाँ तक अगर वोल्टेज आ जाए तो इसका मतलब है इनपुट इसका बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों आउटपुट पे वोल्टेज नहीं जा रहे, तो आउटपुट पे इसमें मसला जो है ना इन सप्लाइयों में ख़ासकर, या तो इस ये जो FTs लगी हुई हैं, या दोस्तों इसके जो है ना एक चिप FTs लगी होती इस तरह की, दोस्तों इसमें भी अक्सर मसला आ जाता है। तो दोस्तों अभी जो है ना आउटपुट पर वोल्टेज नहीं आ रही, तो मैं जो है ना अभी इसकी 3 FTs को चेक करता हूँ। तो अच्छा दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आउटपुट पे मसला होगा तो आपका जो ये कैपेसिटर है ना दोस्तों, ये बिल्कुल जो है ना कम करंट स्टोर करेगा या बिल्कुल स्टोर नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे करंट स्टोर नहीं हो रहा, लेकिन आगे भी नहीं जा रहा, इसका मतलब है कि मसला आउटपुट पर है। तो दोस्तों अभी हम इस FT को चेक करते हैं। अच्छा दोस्तों ये जो छोटी FT है ना, ये बिल्कुल ख़राब है। उसके चेक करने का तरीका कार ये है कि आपने एक प्राड पीछे रख देनी है और बारी बारी आगे जो है ना दोनों पिनों पे चेक करना। अगर दोनों पिनों पे ये आगे सुई जाए तो इसका मतलब है ये FT ख़राब है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ये भी क्लियर कर दूँ कि ये FT जो होती है ना, अगर ये ख़राब हो जाती है तो आउटपुट पर करंट बिल्कुल बंद हो जाता है। अब मैंने उतारी है, तो अभी मैं जो है ना चेक करता हूँ कि इसके उतारने से ही इसके आउटपुट पर करंट आ जाता है। ठीक है, अभी मैं प्लग लगा देता हूं, तो अभी हम चेक करते हैं यहां पर वोल्टेज जो है ना वो आ जानी चाहिए। ये देखो दोस्तों, सिर्फ इसके जो ये FT है, ये शार्ट थी, इसने करंट जो है ना बंद कर दिया था। अभी मैंने सिर्फ उतारी है तो ये ना सप्लाई बिल्कुल आपकी ओके होगी। कितने छोटे फॉल्ट की वजह से दोस्तों अक्सर आप सप्लाइयाँ ज़ाया कर देते हैं, तो आपने ये जो ट्रेसिंग ज़रूर करनी है। जो दोस्तों अब ये जो FT है ना, अगर आप इस हिस्से में लगाना चाहें तो आप किसी भी इस तरह की सप्लाई से लेकर लगा सकते हैं। ये लैंप कार्ड वाले हिस्से में होती है। अगर आपने सिर्फ इसको जस्ट मैंने जिस तरह 12 वोल्ट पर इस्तेमाल किया हुआ है, तो वहाँ पर इसके FT के उतारने से हमारी सप्लाई बिल्कुल ओके हो गई है। ठीक है ना, अगर आपने इसका लैंप कार्ड वगैरह LCD में जो चलाना है तो वो आप ये FT लगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दे, आप जो है ना आप 12 वोल्ट पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये LCD में लगी हुई थी, तो ये देखो अब ये LCD में बिल्कुल सही काम करना शुरू कर दिया है। ठीक है ना, तो दोस्तों ये थी आज की मालूमती वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।